वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न इंटरप्राइजेस। आज गाइस हम आपके लिए लेके आए हैं सिबास की रिवॉल्विंग वार्निंग लाइट, जो आप कुछ इस कलर में मिलेगी। लेकिन हमारे पास में जो आई है वो आई है शायद रेड कलर की। तो आज हम इसको चला के देखेंगे और इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे चलती है और इसका यूज़ कैसा है। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे काम करेगी और कैसे क्या करेगा। सिबास की वार्निंग लाइट है रिवॉल्विंग। इसकी वायरिंग डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ब्लैक जो कॉमन रहेगा, ग्रे कलर का वायर है ये। इसको अपन 110 वोल्ट एसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर का वायर है, इसको अपन 220 वोल्ट पे यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन कलर का वायर है, जिसको अपन 24 वोल्ट एसी और डीसी दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। और वाइट कलर का वायर है, जिसको 12 वोल्ट एसी और डीसी जो व्हीकल वगैरह में इन सब में यूज़ किया जा सकता है। और अपन देखेंगे इसको एक बार चला के। तो सर मेरे पास में अभी अवेलेबल है 220 वोल्ट है, जो अपन नॉर्मली घरों में यूज मिल सकता है। तो अपन को 220 चलाने के लिए सबसे पहले रेड कलर का और कॉमन दोनों लेना पड़ेगा। दोनों लेके तो मेरे पास अभी कुछ वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो एक बार मैं सीधा प्लग में लगा के चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम करेगी। कुछ इस प्रकार से मिला है, अभी बंद कर दिया। एक बार अपन अंदर देखते हैं इसके खोल के कि कुछ मिलता है या इसमें और कुछ फंक्शन और कुछ मिल सकते हैं। अंदर से कुछ इस प्रकार से निकला, बाकी ये पूरा खाली है। सारी एलईडियां हैं जो हर कलर में अपन को मिल सकती है। इसमें दो कंट्रोल डीप स्विच दे रखे हैं और एक बजर डीप स्विच दे रखा है। एक बार इसको चालू करेंगे अपन देखेंगे कि इसमें कैसे क्या चलेगा। ये रेड और ये चालू हो गया है। सबसे पहले अपन कंट्रोलिंग को चेक करेंगे या फिर एक बार बजर का दे रखा है, इसको बजर से बजर ऑफ हो सकता है। ये देखिए इसमें बजर ऑफ हो गया है, लेकिन ब्लिंकिंग अभी चालू है। तो कंट्रोल में इसमें क्या होता है अपन अभी फर्स्ट टाइम देखेंगे। फर्स्ट डीप स्विच लेंगे तो कुछ इस प्रकार से अपन को मिलेगा ये। इसको अगर ये लगा के देखेंगे तो जैसे एम्बुलेंस आ रही हो उस टाइप का दिख जाएगा अपन को। ये पुलिस लाइट में है और इसका दूसरा कंट्रोल देखेंगे तो कैसे रहेगा। दूसरे कंट्रोल में ये सीधा ब्लिंक नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से चलेगा। एक बार इसमें बजर के साथ देखेंगे तो बजर इसके साथ में वही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। कंट्रोलिंग के साथ में चेक करें तो कंट्रोलिंग के साथ में इसमें नॉइज चेंज हो रही है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स लिंक में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारे मिल जाएंगे। आप कमेंट में मेरा नंबर और डिटेल ले सकते हैं। बाकी ये किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पे आपको इजीली मिल सकता है। तो गाइस आज की ये लाइट, तो गाइस बताइए आज की ये लाइट आपको कैसी लगी, कमेंट करके प्लीज बताइए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और शेयर करो और भाई को सपोर्ट करो यार। मेरा नया चैनल है, आपके सपोर्ट से ही आगे जा पाऊंगा। ओके थैंक यू गाइस। अब इसको बारी वापस जैसा था वैसा कर सकते हैं। मेरा सेल के लिए रेडी है। क्या मेरा चेक भी हो गया और शायद मेरे को खराब नहीं मिला, ये सिबास कंपनी का है। इसमें सारे कलर मिल जाते हैं आपको, चार कलर में ये कंपनी देती है। और इसके साथ में कुछ माउंटिंग के लिए स्क्रू वगैरह कुछ आए हैं, जो इसको आप इजीली कहीं पे भी माउंट कर सकते हो। ओके गाइस, अभी अपन को माउंट नहीं करना है, तो एक बार इसको वापस अंदर रख देते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे लगा है वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है और कैसे कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइन में इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एम्बुलेंस और पुलिस लाइन में तो आपको पता ही है इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है। बाकी ये बेसिकली वार्निंग लाइट है, जो आपको कहीं पे भी दिखने को मिलती होगी ऐसी लाइट। ओके थैंक यू।